ओके जी गाइस, तो इट्स आवर लेक्चर नंबर 20। इस लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, या क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड में कैसे है जी? पहले हमने जो अभी फार्मूले पढ़े थे, फर्स्ट काइंड में तीनों इंडेक्स नीचे थे, इसमें एक इंडेक्स ऊपर होगा, दो इंडेक्स नीचे होगा। तो अगर हम इसको आल्तो ये टेंसर नहीं है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो मिक्स टेंसर वाली है। क्या है जी इसकी नोटेशन? क्या है? क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज डिनोटेड बाय, ये गामा है, आई जे के। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नोटेशन है, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख दें ऐसे बेहतर है। आप इसे आई जे और के इस फॉर्म में लिखे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देखने आ गया, तो इस फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ पे ये इसकी नोटेशन है, ये तो या क्रिस्टोफल सिंबल वे इस पे लिखेंगे, हमें तमाम बड़ी बुक्स में एक जो है वो इस फॉर्म में नजर आती है, और ये कुछ बुक्स हैं जो इंडियन बुक्स हैं या दूसरे कुछ बुक्स हैं। अब मेरे पास एक भोपाल की बुक है, मीन गुप्ता की बुक है, डॉक्टर जे के गोयल है, के पी गुप्ता है, नवाज शरीफ शाह है। तो इन सब की बुक्स में ये वाले नोटेशन भी मिलते हैं, तो वैसे ज्यादा ये नोटेशन, तो हम ये वाले नोटेशन यूज करेंगे। मैं अब एक्चुअली बुक फॉलो कर रहा था क्रिस्टोफर उसके नवाज शली शाह की, और यही आपके शाम सीरीज में भी है, जो आपके पास उसमें टेंसर एनालिसिस के नाम से है, तो उसमें भी ये चीजें हैं। तो ये मैं नोटेशन यूज करूंगा इन फ्यूचर, ये भी साथ साथ लिखता रहूंगा, ताकि अगर कोई बुक इंडियन बुक यूज कर रहा है या कोई और है, उसके पास ये नोटेशन भी यूज हो जाए, और ये नोटेशन है तो ये यूज। फार्मूले की तरफ आते हैं, हमारे पास फार्मूला है क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के या गैमा आई जे के इज इक्वल टू 1/2 जी आई डी। तो यहाँ पे भी जैसे उसमें हमने लिखा था, मैं नोट से दोबारा लेके दिखा देता हूँ, मैं अगर लिखूँ तो मैं इस फार्मूले को इस अंदाज में लिखूँ, क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के इज इक्वल टू 1/2 जी। अब देखिए हेड पे आई है, तो यहाँ पे आई और हमने सम डी लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले ये 3 जी लिख दूंगा, फिर प्लस की टर्म, फिर जी, जी स्टैंड फॉर न्यूटन टेंसर, माइनस जी। अब मैं इसका इंडेक्स जो है वो लिखूंगा, ये जे के था नेगेटिव टर्म के साथ, वो जे के, और इस के जो ऑर्डर है ये डी, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, ये डी आ जाएगा। तो मैं इसे जे के डी जो जो नीचे दिया हुआ था वो जे के आ गया, ये डी जो हमने अपने पास ऊपर लिखा था वो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जे डी कॉमा के आ जाएगा, और यहाँ पे के डी कॉमा छे आए। तो ये आपके पास, अब देखें इसमें आल्सो के हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है उसको ओबे नहीं करता, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को ओबे नहीं करता, लेकिन इसमें इंडेक्स वाला मामला जो है, ये डी जो है इस डी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हर टर्म में इंडेक्स जो है वो इसी तरह का आएगा, आई जे के, ये जो टर्म है इसमें भी सेम वही बचना चाहिए, आई के जे हो जाए, ऑर्डर चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया, लेकिन इंडेक्स रहेगा सेम, और इसमें भी वही आई जे और के। आपके पास लेफ्ट साइड पे भी उसका इंडेक्स वही है, यहाँ पे देखिएगा ये आई जे के है, तो आपके पास हर टर्म में यहाँ पे भी आई जे के हुआ, यहाँ पे भी आई जे के हुआ, और यहाँ पे भी आई जे के हुआ, डी जो था वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तीनों टर्म्स में। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे आप लिखते हुए आपका ये इंडेक्स आगे पीछे हो जाता है, तो बिटवीन आपने गलत लिखा वापस आते हैं। यहाँ पे इंडेक्स लिया है आई जे के में, तो कहते हैं अगर यहाँ पे आई की बजाय एम लिख दे तो नो प्रॉब्लम, आप एम के साथ भी करेंगे तो यहाँ पे एम आ गया, ये आपकी गिवन टर्म है, बाकी सारे के सारे ये नीचे वाले टर्म एज इट इज आ। और कहते हैं अगर हम इस सारे को इसके हिसाब से देखें, फर्स्ट उसके फर्स्ट काइंड के हिसाब से, तो ये जो है ये जी के ऊपर जो हमने टर्म
टर्म दी है एम डी, एक्चुअली इनवर्स है मीट्रिक टेंसर का। तो ये मीट्रिक टेंसर की ये टर्म एक्स्ट्रा है, बाकी तो ये फर्स्ट काइंड ही है। तो ये जी एम डी जे के डी के इक्वल है, मीन एक्चुअली हम ये वाली टर्म लिख रहे हैं, तो इसके मुताबिक यही टर्म हमारी आ जाएगी। ये एम जो है जी जो दिया हुआ है कंट्रावेरिएंट फॉर्म में, या हम कहेंगे इनवर्स में, ये उसी फॉर्म में। तो इसी की एक और फॉर्म लिख दी है, डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे हैं, नोटेशन में लिखे हैं, ताकि आपका फार्मूला क्लियर हो जाए। अगर हम यहाँ पे ऊपर एम दें, ये आई और जे हो जाएगा, तो फार्मूला लिखने का तरीका वही, ये आई जे वाली टर्म आपने वो लास्ट पे लिख दिया, आई जे और कॉमा के। आपने कोई भी नया वेरिएबल लेना था, तो अब यहाँ पे ये जो के है ये आपका डमी इंडेक्स है, बाकी सारे आपके जो फ्री वे हैं ये डे जो है, इसमें के जो है ये आपका डमी इंडेक्स है। अगर कहते हैं ये हम ए बी सी ले लेते हैं क्रिस्टोफल सिंबल पे, या इस पे गैमा पे ए और बी सी लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ए, ये बी सी डी आ जाएगा, ये सी डी पी और ये बी सी डी आ जाएगा। इसको उस फॉर्म में लिखकर फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट काइंड पे, तो ये भी उसी फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये चार डिफरेंट फार्मूला, ए की फार्मूला चार डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा हुआ है, और यहाँ पे साथ उसको मेंशन किया है कि ये अगर फर्स्ट काइंड के साथ हम इंटरलिंक करना चाहें, तो सिर्फ ये बाहर जो एक यूनिवर्स वाली टर्म है ये एक्स्ट्रा है, बाकी ये वही टर्म आ जाए। तो अब इसमें से आपको किसी भी नोटेशन के साथ दिया हो, आई जे के दे दे, ए बी सी दे दे, अल्फा बीटा गामा लगा दे, किसी से भी करेंगे तो आपके पास फार्मूला सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, आपके पास इसका थ्योरम है, कहता है जी इसके ये जो इंडेक्स दिया है आई जे और जे आई, ये इसको आई जे को इंटरचेंज करें जे आई के साथ, तो आपका आंसर सेम रहता है। तो एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है ये लोअर इंडेक्स में, या जो नीचे इसका इंडेक्स दिया है उसके साथ से सिमेट्रिक होते हैं। तो कर देते हैं फार्मूला क्या है हमारे पास, एम आई जे इज इक्वल टू वन ओवर जी एम के, तो ये हमने वही फार्मूला लिख दिया पूरे का पूरा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, आई और जे ये इंटरचेंज है, तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड पे जे और आई को इंटरचेंज कर दें, तो ये जे और आई इंटरचेंज हो गए राइट साइड पे। तो देखिएगा जो हम फार्मूला जब लिखते हैं तो हमारे पास इस टर्म के हिसाब से फार्मूला आ जाता है ना, तो ये टर्म आ गई, या इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ये जो फार्मूला है ये इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्रिस्टोफल सिंबल इसके हिसाब से एम जे आई। हम इसको देखते ये जो नेगेटिव वाले टर्म उसको देख के इसका इंडेक्स लिखते, हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो इट मीन अगर इसमें कोई चेंज नहीं आई तो हमारा जो क्रिस्टोफल सिंबल है सेकंड काइंड का वो लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है, जो फर्स्ट काइंड था वो डिसमेट्रिक था फर्स्ट पेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर की बजाय हमारे पास एक इंडेक्स ऊपर है, दो इंडेक्स नीचे हैं, तो नीचे जो इंडेक्स दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट थ्योरम में आ जाएंगे, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, कहते हैं जी प्रूव करें जो फर्स्ट काइंड है वो इक्वल टू है जी एम के, और फिर यहाँ पे ओके रिवर्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे जो पहले हम लिख के आए हैं मैं वो भी लिख देता हूँ। वहाँ पे जो हमने लिखा था ये किसके इक्वल होगा, जी एम के, तो यहाँ पे हमारे पास था फर्स्ट काइंड, मैं फर्स्ट काइंड में लिख देता हूँ आई जे, जो भी आपने डमी इंडेक्स लिया है इसके, तो इसके मुताबिक ये इक्वल आ जाता सेकंड के क्रिस्टोफल सिंबल एम आई जे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ये, अगर ये वाली टर्म, या जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये टर्म अगर मैं मूव करूंगा इस साइड पे, तो इधर ये इनवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है राइट साइड पे जाएगा, तो वो इनवर्स की बजाय नीचे टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है इसको हम प्रूव करते हैं ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है, चेक करते हैं जी क्या आती है। राइट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड के मुताबिक जी एम के
क्रिस्टोफर सिंपल एम जे, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो टर्म है ये एज इट इज लिख दी, इसका हमने फार्मूला पुट किया। इसका फार्मूला क्या था, 1/2 जी पार एम डी, कोई भी आ सकता था। तो ये हमने आई डी और ये फार्मूला पूरा सारा पुट किया। अब इस जी एम के को जी एम डी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें एम से ये एम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी आपके पास जो टर्म है वो डेल्टा में बचे। क्यों बचे, कि हमारे पास जी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है जिसमें इंडेक्स एक ऊपर आ जाए एक नीचे आ जाए। जब भी इंडेक्स ऐसा आता है तो हम इसे कहते हैं ये क्रॉनिकर डेल्टा बन जाएगा। तो ये जो क्रॉनिकर डेल्टा है डी और के, यहाँ से एम से एम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डी और के बच गया। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये एम और एम ये लेफ्ट साइड पे होंगे तो ये लेफ्ट कॉन्ट्रैक्शन होगी, और राइट साइड हो तो राइट कॉन्ट्रैक्शन होगी। आल्सो के मीट्रिक टेंसर सिमेट्रिक है, लेकिन फिर भी आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि ये जो एम और ये एम है ये दोनों सेम साइड पे होने चाहिए, मीन दोनों लेफ्ट पे हैं तो लेफ्ट पे हों, राइट पे हैं तो राइट पे हों, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, हो सकता है कोई ऐसा टेंसर हो जो सिमेट्रिक ना हो, तो फिर वहां पे उसमें नेगेटिव का फर्क आ जाता है। तो ये हमने एज इट इज लिख दी, तो ये आपके पास सारा फार्मूला ये हर ये तीनों टर्म्स एज इट इज। और अब नेक्स्ट टाइम में देखिएगा, वो कहते हैं हम रिप्लेस कर देते हैं डी को विद के। तो एक्चुअली हम किस क्रॉनिकर डेल्टा की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, क्रॉनिकर डेल्टा या जीरो है या वन है, तो अब उसके मुताबिक अगर हम डी को के पुट कर देंगे तो वन आ जाएगा, अगर ये डिफरेंट रहेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हम वो केस इसमें से एलिमिनेट करके इसको वन कर देते हैं। तो जब ये आपके पास डी इज इक्वल टू के आ गया, तो डी इज इक्वल टू के साथ अपने पुट कर दिया तो हर जगह पे के आ। अब क्वेश्चन ये है कि हमने डी को के क्यों पुट किया, के को डी क्यों नहीं पुट कर दिया। इसलिए नहीं किया कि हमारे पास ये जो डी है ये जो डमी इंडेक्स था ये हमने अपनी मर्जी से लिया था, और डमी इंडेक्स को ही हम किसी और नए नंबर के इक्वल पुट कर दें, पुराने नंबर के इक्वल पुट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये जो डमी इंडेक्स था उसको के पुट किया, ना कि हम के को डी पुट करते। तो हमने डी को के पुट किया तो हर जगह पे ये आ गया, ये डी और डी ये वन हो गया, और बाकी जो टर्म थी ये बच गई। अब यहाँ पे ये लिखी हुई देख लें, या ये एक ही बात है, ये दोनों जो टर्म है ये जो टर्म वन ओवर दिस वन, ये आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट का है, यही हमें प्रूव करना है राइट साइड। नेक्स्ट दिया हुआ है जैसे सेम उसी तरह फार्मूलिज्म है जैसे हमने फर्स्ट में किया है। फर्स्ट काइंड के लिए थ्योरम है, शो दैट इफ जी आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे देन द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज गिवन बाय, तो इसके इक्वल होगा। अब आपको याद होगा फर्स्ट काइंड में यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 पार्शियल पार्शियल एक्स लॉग जे आई आई, तो उसमें लॉग नहीं आया था उस क्वेश्चन, तो इसमें ये लॉग के इक्वल होगा। कब, अगर ये तीनों इंडेक्स इक्वल हो। तो ये फार्मूले हैं याद रखने हैं, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे है जी एज क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, हम हर जगह पे वो फार्मूला पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट फार्मूला में वो हमने हर जगह पे आई पुट कर दिया, तो हर जगह पे आई पुट किया। तो यहाँ पे देखिए ये आई डी, ये आई आई और ये। अब अभी हम यहाँ पे कह के आए हैं कि अगर आई और जे इक्वल ना हुए तो ये जीरो होगा। तो एक्चुअली हम कहना चाह रहे हैं कि ये डायगोनल मीट्रिक है, जब ये डायगोनल मीट्रिक है तो यहाँ पे इसका इनवर्स भी डायगोनल आएगा। यहाँ पे ये जी आई डी ये भी डायगोनल में होगा, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। अब जब ये हम ये करना चाह रहे हैं, हमने किया डी को आई पुट कर दिया, तो ये डी आई आई हो गया, तो सारे डी आई हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गए, बाकी बची 1/2 जी आई आई जी आई कॉमा आई, तो यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअली हमारे पास जो जी ए बी है वो होगा जी वन वन के जी वन टू टू वन टू टू के इक्वल। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये जी वन और जी टू टू ये नॉन जीरो होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। सेम इसी तरह इनका जो इनवर्स है वो भी इक्वल टू जीरो होगा, इन या तो सिर्फ डायरेक्ट एंट्री बचेगी बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका इनवर्स जो है वो 1/G11 जीरो, 1/G22 आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इसकी,
तो ये जी वन वन ये आपके पास आ गया। तो अब इसके मुताबिक ये आपके पास ये जो जी वन वन इनवर्स फॉर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वन ओवर जी वन वन के। जब आपके पास डायगनल मैट्रिक्स होता है तो इनवर्स जो है वो डायगनल एंट्रीज का वन ओवर में चला जाता है या तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो या जैसे यहाँ पे ये जी वन वन है, इसका इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, वन ओवर जी वन वन के। क्यों? हमारे पास सिर्फ डायगनल एंट्रीज है। यहाँ पे जी टू टू इनवर्स जो है इसके इक्वल होगा वन ओवर जी टू टू के। तो आप पुट कर दें वन ओवर टू जी आई आई, ये जो हमारे पास टर्म आई थी, और यहाँ पे ये एक टर्म बची थी ये। अब जैसे अभी यहाँ पे बता रहा हूँ ये जी वन वन है किसके इक्वल होगा, वन ओवर जी वन वन के, और ये जी टू टू इनवर्स वाली जो टर्म है वो इक्वल टू वन ओवर ये टू टू के। सो ये जो हमारा जी आई आई इनवर्स फॉर्म में है वो आ जाएगा वन ओवर जी आई आई के इक्वल। तो ये टर्म हमारे पास आ गई, इसको हमने लॉग में लिखा है, कैसे लिखा है वो अभी मेंशन कर देता हूँ। आपके पास अगर फार्मूला दिया हो, मैं इधर लिख देता हूँ डी ओवर सम डी एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हो लॉग ऑफ सम एफ ऑफ एक्स, मैं एफ लिख देता हूँ, आप बोलने में एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं इसे, इट इज सम एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, वन ओवर एफ ऑफ एक्स और साथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, आपके पास ये जो टर्म थी ये यही दिया हुआ था वन ओवर जी आई आई, ये पार्शियल पार्शियल एक्स आई जी आई आई, तो इट मीन आपको ये लॉग जी आई आई दिया हुआ था। तो इस फॉर्म में लिख दें, ये आपका आंसर हो गया, ये आपके पास इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास नीचे वाले दोनों इंडेक्स इक्वल हो, आई ऊपर आई दी है नीचे जे जे, ये दोनों इक्वल हो, इस फॉर्म में लिख दें, तो ये माइनस वन ओवर टू जी आई आई और डेरिवेटिव के फॉर्म में। अब देखें पहले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले क्वेश्चन में ये था कि अगर तीनों सेम होंगे तो ये आपके पास लॉग के फॉर्म में आएगा। अब अगर आपके पास दो सेम होंगे, नीचे वाले दोनों सेम हो ऊपर वाला इंडेक्स डिफरेंट हो, तो फिर आपके पास माइनस वन ओवर टू दिस वन है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल का, आई जे के वन ओवर टू जी आई डी, ये हमने जनरल फार्मूला लिख दिया। इस जनरल फार्मूले में देखिएगा हमें नीचे क्या चाहिए था, जे और के को डी पुट करना है, तो हम रिप्लेस के विद डी, सॉरी के विद जे। तो यहाँ पे हमने के और को जे पुट किया, और वो जो पहले वाली कंडीशन थी वो हर क्वेश्चन में साथ साथ चली आ रही है, ये वाली जो थी कि जी आई आई जीरो है, आई नॉट इज इक्वल टू जे पे, तो हम फिर डी को भी आई पुट कर देंगे ताकि ये डायगनल एंट्री आ जाए। यहाँ पे वन स्टेप गैप है, आप पहले ये के इज इक्वल टू डी पुट कर दें, और लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप में डी इज इक्वल टू आई पुट कर दें, इस कंडीशन की वजह से। ये कंडीशन हर क्वेश्चन में गिवन है आपके, तो यहाँ पे आई जे जे इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये और ये दो टर्म्स, ये आपके पास जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी, इसलिए कि हमने ये कंडीशन दी आई जे इज इक्वल टू जीरो अगर आई और जे इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा जीरो हो गया, बाकी टर्म बच गई वन ओवर टू जी आई आई, और यहाँ पे ये नेगेटिव की टर्म बची, ये नेगेटिव लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस है इज इक्वल टू माइनस वन ओवर, ये जो जी आई आई ऊपर लिखा हुआ है इनवर्स फॉर्म में करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे ये जी जे जे कॉमा आई लिखा हुआ है, ये आपके पास, यहाँ पे आप चेंज कर दें इस जे को, ये या सेम भी रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये क्वेश्चन हो गया जी। नेक्स्ट में आ जाएं, नेक्स्ट में ये है कि अगर आपके पास ये तीन इंडेक्स दी हो, तो चेक करें जी क्या करते हैं, आई जे के है ये तीनों है, तो ये इसके इक्वल आता है, एज वी नो दैट आई जे के ये हमारा जनरल फार्मूला है, हम जे को आई के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जे इज इक्वल टू आई। ओके, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, फिर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली लिखना था आई, ये भी आई है आपका, या के को पुट कर देता हूँ, चलो मैं के को पुट कर देता हूँ इसको,
ये के की बजाय ये भी आई हो, ये भी आई हो। आप जे को भी कर सकते हैं तो फिर आंसर आपका जे में बह जाता। तो फिर क्या करते हैं जी, जे इज इक्वल टू आई, ये यहाँ पे उलट लिखा गया, जे इज इक्वल टू आई की बजाय हमने पुट किया है के इज इक्वल टू आई। यहाँ पे देखिए के इज इक्वल टू आई, हमने टी को भी आई पुट कर दिया और के को भी आई पुट कर दिया, तो हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ गए। तो सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाए। जी अगर आपको यहाँ पे कोई हेल्प की जरूरत हो तो ये नवाज़िश अली शाह की बुक है, उससे आप मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ है कि कहते हैं जी अगर ये आई और जे डिस्टिंक्ट हों, नीचे वाले दोनों डिस्टिंक्ट हों, तो फिर आपका जो ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है ये जीरो आता है। एज वी नो दैट, ये हमने फार्मूला पुट कर दिया, इसमें हमने कहा है कि अगर ये तीनों इक्वल ना हों तो फिर जे आई जे ये भी जीरो होगा, ये भी गिवन था। तो फिर यहाँ पे जब सारी टर्म्स कोई भी इसमें सेम एंट्री नहीं गिवन, ये आंसर जीरो आ जाए। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, फर्स्ट काइंड की सेकंड काइंड की। इसमें दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों के साथ आगे जो हमारे पास जाते हैं वे रिजल्ट्स हैं वो सारे आपने याद रखने हैं।